बीओके वाले समय तो ओटीसी बोले तो ओरिजिनल ट्रैवल चीफ रोमन रेंस वापस आ चुके हैं समर स्लैम में सोलो सिकोवा को एक सुपरमैन पंच और स्पीयर का स्वाद चखा के भाई चैंपियनशिप से बाहर कर दिया सोलो को और रोमन ने बना ली अपनी टीम ड्रू मैकइंटायर और जे उसो के संग सोलो सिकोवा जेकब फाटू और टांगा लुआ को पेलने के लिए फटाफट से गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ये टीम नई टीम होने वाली है रोमन की, देखे कैसा परफॉर्मेंस देने वाली है। ड्रू मैकइंटायर और जे उसो अगर रोमन के संग मिल जाए तो ब्लड लाइन की तो धज्जियां उड़ ही जानी। जेकब फाटू टांगा लुआ और सोलो सिकोवा कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई, और क्योंकि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ ओके यार न्यू है यार, रोमन आता है तो भैया अलग ही टोरा लेके आता, अलग ही वाइब आती है भाई WWE में। और एक एक फिनिशर है सभी के पास, तो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ में आती आते लल्लू ट्राइबल चीफ को एक स्पीयर चिपका ही दी है। और आज तो रियल में भी सोलो ने एक स्पीयर का मजा उठा ही लिया है। और ड्रू मैकइंटायर जे उसो रोमन के संग कुछ भी हो जबरदस्त ही परफॉर्म करने वाले हैं। लल्लू ट्राइबल चीफ भाई लल्लू ही बन के रह गया, क्या सोचा था क्या निकला ये। मतलब रोमन ने सोचा था ये एक मेरा इन्फोर्सर है, लेकिन ये तो लल्लू ट्राइबल चीफ खुद को ट्राइबल चीफ समझने लगा था। कितना जीवन में गलत हो सकता है ये, इसकी कोई हद ही नहीं है। सोलो क्या सोचा था भाई तूने, मतलब ओजी बन जाएगा ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, रोमन के क्या कहने यार, टी शर्ट पे लिखवा के आया अगला बंदा। मतलब आप सोच देखें कि रोमन रियल ट्राइबल चीफ जो रियल ही रहेगा, मतलब देखो क्या जबरदस्त ओटीसी लिखवा के आया बंदा टी शर्ट में ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। और उसने दिखाया भी, ओ भाई साहब कोडी रोड्स को क्या तगड़े इशारे किए थे यार रोमन ने। अच्छा रोमन का रिटर्न मुझे कुछ फीका सा लगा, आप लोगों को क्या लगा मुझे यार कमेंट करके बताना, क्योंकि रोमन मतलब रोमन लेटा कोडी लेटा हुआ था, सोलो लेटा हुआ था, उस समय रोमन की एंट्री हुई, रोमन की एंट्री हुई जब जेकब फाटू और सोलो मिलके रोमन को पीट रहे हो, कोडी को पीट रहे होते, तब रोमन का म्यूजिक बजता, ओए 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 मजा आ जाता। लेकिन फिर भी भाई रोमन को देख के दिल वैसी खुश हो गया, ओए टांगा लुआ ने बचा लिया सिग्नेचर, रोमन से पंगा लेना टांगा लुआ को महंगा पड़ गया। मतलब सोलो को नहीं तो भाई टांगा लुआ को ही सिग्नेचर चिपका दिया। रोमन के जलवा ही अलग है, रोमन के पास एक और दूसरी स्पीयर लगी, अरे बचा ली लल्लू ने, ये लल्लू ट्रैवल चीफ वो समवन स्ट्राइक रोमन को लगा दिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक समवन स्पाइक से रोमन को। रोमन रेंज रिटर्न आ चुके हैं, WWE का मजा पड़ने वाला है, मतलब आग लगने वाली है अब WWE में। और यार देखो ओटीसी देख के तो दिल खुश हो गया था, जब पहले ओटीसी का मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया, थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे समझ आया ओरिजिनल ट्राइबल चीफ ओटीसी का मीनिंग। और रोमन की स्पीयर के बाद जब ये टाइटल हारा सोलो सिकोवा, उसके बाद ये और जेकब फाटू बैठे हुए रो रहे थे और खिसिया रहे थे, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने के अलावा क्या ही कर सकती है। ड्रू मैकइंटायर यार आई लाइक दिस मैन, ड्रू मैकइंटायर 2024 में तो जबरदस्त होके आया है। अब आप गेम की बात कर लो या फिर रियल की बात कर लो, दोनों में यार जबरदस्त पेल रहा है भाई। टांगा लुआ गया, टांगा लुआ का काम उठ गया भाई, इसकी छाती में इतने छेद हो जाएंगे ना ये खुद नहीं गिन पाएगा कि हवा कहाँ से छोड़ूँ और कहाँ से नहीं छोड़ूँ, पीछे से निकालूँ कि आखिर से निकालूँ। ओहो भाई साहब ड्रू, वो ये ड्रू के जलवे, अरे हराम खोर जेकब फाटू। इन ब्लड लाइन में मुझे जेकब फाटू भी थोड़ा बहुत सही लगता है, बाकी सब लल्लू है। टामा टोंगा ले लो, टांगा लुआ ले लो, मुझे बेकार ही लगते हैं ये लोग। अच्छा पहला एलिमिनेशन देखो किसका होने वाला, बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो यार पहला एलिमिनेशन किसका होने वाला, सोलो का या फिर जेकब फाटू या फिर टांगा लुआ। मुझे लगता है सोलो जाने वाला, सोलो को तो वो हेड ऑरेंज हो चुका है क्योंकि रोमन ने एक स्पीयर चिपका दिया, उसके अलावा कोई भी बॉडी पार्ट किसी का भी डैमेज नहीं है। जेकब फाटू नहीं जाएगा, पहला एलिमिनेशन उसका नहीं होगा, सोलो का हो सकता है अगर टैग मिल जाए सोलो को तो। और जे उसो की भी एंट्री नहीं हुई है, अब तुम देखना कहीं ना कहीं जे या जिमी में से एक उसो तो रोमन को ज्वाइन करने वाला है WWE में, ये बात तय है भाई, तुम लिख के रख लेना, देख लेना तुम ये बात, क्योंकि मुझे पता है भाई। देखो रोमन को टीम की जरूरत पड़नी ही है, ड्रू मैकइंटायर का तो मुश्किल है रोमन की टीम में आना, लेकिन जे या जिमी में से एक तो आएगा। और जे क्योंकि यार रोमन का चेला है पक्का वाला, उसने भले गद्दारी करी थी लेकिन आड़े
फंसा की पिन फोल्ड करवा रहा था, ये रेफरी ने किया नहीं, रेफरी को समझ आ गया था ये गलत हो रहा है। एक बार फिर से वी द वंस होने वाला है WWE में, तो पुरानी ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन के बीच में हमें ये फाइट देखने को मिलेगी WWE में। और ओ स्पीयर, भाई साहब टांगलुआ को स्पीयर का मजा मिला, एक से नीचे टांगलुआ के पास है अभी भी, अभी इसने ट्राई नहीं किया तो जाएगा कहाँ से। और जेकब फाटू को छोड़ दे भाई, जे आज कुछ कांड करने वाला फाइट में, डेफिनेटली देखते जाओ, तुम देखते जाओ, जे उसको कुछ ना कुछ कांड करने वाला फाइट में। टांगलुआ से थोड़ा सा मुझे लगता है 2K24 में, क्योंकि ये फिनिशर तेजी से लगा लेता है, मतलब इसे मौका लगते ही फिनिशर चिपका देता है। कुछ सुपरस्टार होते हैं ना कि मौका मिला उसके बाद भी फिनिशर नहीं लगा रहे, जे जा रहा है, सिग्नेचर है क्या जे के पास सिग्नेचर है, लेकिन सोलो को नहीं लगा पाएगा। फिनिशर लगा सकता है, फिनिशर स्पीयर अब लगा सकता है, खड़े खड़े समोआ ड्रॉप लगा सकता है जे उसको। सोलो के पास एक फिनिशर है, सोलो के पास अभी भी, सोलो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा पहले जे को एलिमिनेट करने की, लेकिन इतनी इजीली रहेगी नहीं। सोलो गलत सोच रहा है भाई, सोलो का हेड ऑलरेडी लाल हो चुका है, जे उसो ने एक स्पीयर चिपकाई नहीं, सोलो का टाटा बाबे हो जाना चाहिए, और स्पीयर आ चुकी है। ये क्या कर रहा है भाई, स्पीयर ही लगा दे जे उसो, भाई स्पीयर लगा दे, लगी क्या स्पीयर लगी भाई साहब, ये भी रोमन का पक्का वाला चीला बन चुका है, इसे भी समझ आ गया कहाँ से स्पीयर कैसे लगानी है। सोलो का एक फिनिशर और लगा, टाटा बाय बाय, सिग्नेचर है सोलो कह रहा हूँ, जे उसो के पास एक सिग्नेचर है, सोलो के पास एक फिनिशर के अलावा कोई मूव नहीं है, हेड लाल हो चुका ऑलरेडी सोलो का, तो सोलो का टाटा बाय बाय हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। और अगर रोमन को टैग मिल जाए तो सोने पर सुहागा, रोमन को टैग मिल जाए, भले ही रोमन के पास कोई फिनिशर सिग्नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी रोमन तबाही मचाने वाला। और टांगलुआ, मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन जेकब फाटू और रोमन रे सामने सामने होंगे। सोलो से तगड़ा तो मुझे जेकब फाटू लगता है, और जेकब फाटू रोमन आमने सामने इसी मंडे नाइट रॉ में या ट्यूजडे नाइट स्मैकडाउन में होंगे, जरूर होंगे, तुम देखना ये बात। और OTC की टी शर्ट यार रोमन पहन के आए, गर्रा लग रहा था भाई, गजब लग रहा था यार बंदा, मतलब एज अ रोमन फैन मैं कह सकता हूँ कि मेरा दिल खुश हो गया, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया रोमन को देख के। बस थोड़ा सा बिल्डअप और देना चाहिए था रोमन की एंट्री पे, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना अच्छे से ड्रू मैकइंटायर एल्बो ड्रॉप, भाई साहब टांगलुआ की बॉडी लाल हेड येल्लो हो चुका है, इसकी तो हालत खराब कर दी है, ना 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 किक आउट कर दिया। ये मैच वन साइड तो नहीं होने वाला है, डेफिनेटली वन साइड नहीं होने वाला, फिर इनफॉल नहीं हो पाएगा। अच्छा ड्रू जे और रोमन बहुत, कोई भी बॉडी पार्ट किसी का भी डैमेज नहीं है, सोलो का हेड लाल है, टांगलुआ की बॉडी लाल है, ये लोग ब्लड लाइन वाले ज़्यादा पिटे, फिनिशर लगा दिया इसने, ना फिनिशर नहीं लगाया, ये दूसरा वाला पावर बॉम फिनिशर, लेकिन ड्रू मैकइंटायर ने जरूर लगा दिया। टांगलुआ पहला एलिमिनेशन, ये तो होना ही था भाई, ड्रू मैकइंटायर यार गजब सुपरस्टार है भाई साहब, 24 में तो उसका क्या ही कहने हो, 2K23 में थोड़ा सा वीक था, 2K24 में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ड्रू होना वो एक एलिमिनेशन और करने वाला है, ड्रू के पास सिग्नेचर आने वाला है, फिनिशर भी आने वाला है जल्दी, सिग्नेचर आया, टैग डबल टीम अटैक करना चाह रहा है क्या, ना ना ये मूव यार मुझे बहुत तगड़ा लगता है भाई साहब, ये ब्रॉक जैसे उठा के नहीं फेंकता था वैसे ही ड्रू मैकइंटायर फेंकने लगा। अच्छा ड्रू की हाइट और वेट इस टाइप का है ना कि वो अच्छे अच्छे सुपरस्टार को इस तरीके से मूव दे सकता है, नहीं तो ये मूव देने के लिए आपको एक अच्छी हाइट का होना बहुत जरूरी है। सोलो भाई तो नीचे ही एलिमिनेट में, तुझे सोलो गया, 5 तक का काउंट है, सोलो गया, सोलो सिकुआ एलिमिनेट, और आती आते सुपरमैन पंच, ये पंच बहुत तगड़ा लगा भाई, जेकब फाटू नहीं जाएगा इतनी जल्दी, नहीं जाएगा, एक आध एलिमिनेशन कर जाएगा, ये एलिमिनेशन करेगा किसका भाई, कोई भी तो इतना नहीं पिटाएगी, इतना इजीली नॉकआउट या एलिमिनेट हो जाए उसके लिए बहुत पीटना पड़ेगा। जेकब फाटू के पास दो फिनिशर तो है, लेकिन दो फिनिशर में भी कोई नहीं जाने वाला, फिनिशर कम से कम 3 चाहिए अगर ये रोमन को एलिमिनेट करना चाहता है तो। जेकब फाटू दो फिनिशर है इसके पास, लेकिन कुछ नहीं होने वाला उससे,
अब जाके रोहन की बॉडी येलो हुई है, तो जेकब फाटू का टाइम पूरा होने वाला है। जल्दी रोहन जल्दी कर, रोहन के पास फिनिशर, दो फिनिशर हैं। पहली स्पीयर लगी क्या? ना अभी नहीं, नॉर्मल मूव से, बट ठीक है रोहन पेल रहा नॉर्मल मूव से, भाई बढ़िया पेल ले दो। जेकब फाटू फिनिशर लगाएगा क्या? ये फिनिशर लगा सकता था यहाँ पे, लेकिन ये मौका चूक गया। मौका नहीं चूकता तो हो सकता फिनिशर। ड्रू मैकइंटायर वापस से रिंग में, ड्रू के पास अब भी एक फिनिशर है। क्लेमोर किक लगेगी क्या? ना 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 ना, बाहर गया जेकब फाटू। ड्रू मैकइंटायर जलवे में यार, ड्रू ने एक एलिमिनेशन पहले किया हुआ, एक और अब करने वाला है जल्दी। सोलो सिकोवा थोड़ा सा मुझे लगता है गलत चला गया, उसे नहीं जाना चाहिए था इस तरीके से। और ड्रू की भी बॉडी येलो ही है, तो जेकब फाटू मारेगा तो किसको मारेगा एलिमिनेशन करने की? जे उसो तो दूर दूर तो ना सोचे, बिल्कुल भी नहीं पिटा भाई जे उसो। जे उसो थोड़ा बहुत पिटा होता तो मैं कहता चलो कुछ कर भी लेगा। और उससे पहले हो सकता है ड्रू अपना फिनिशर लगा दे। लगेगा क्या? आई थिंक लग जाएगा। क्लेमोर केक ये पार, ड्रू मैकइंटायर भाई जलवे में गया क्या? पिन फॉल करा लिया भाई, वन साइड मैच जीते हैं ड्रोमर की टीम वाले, क्या ही कहने, जबरदस्त। तो वीडियो में मजा आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah, a certain amount of pride has to come with surviving elimination matches.